हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है ट्विंकल गुप्ता और मेरे चैनल पे आपको हर टाइप की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। पहले मैं फिटनेस और लाइफस्टाइल पे ज़्यादातर वीडियोस बनाती थी, बट रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड टू शेयर माय ऑल हॉबीज और अदर थिंग्स। मैं जो जो करती हूँ, जो मुझे पसंद है, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग हियर। एंड इस चीज से हम एक दूसरे को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? एंड आई वॉन्ट दैट कनेक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई विल बी ट्राइंग द वायरल हैक्स फ्रॉम द इंस्टाग्राम। आई हैव पिक्ड सम ऑफ द वीडियोज फ्रॉम इंस्टाग्राम विच आर सीम्स लाइक यूजफुल, बट वी विल डिसाइड दैट लेटर वंस वी ट्राई। ओके, सो वन बाई वन हम ट्राई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हम फाउंडेशन वेस्ट नहीं करने वाले, तो हम पहले पानी अप्लाई करेंगे फेस पे, देन वी विल अप्लाई द फाउंडेशन एंड लेट्स सी द रिजल्ट। लेट्स ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्प्रे वाटर। दिस वाज अ मिसेलर वाटर बट खत्म हो गया, तो इसमें मैंने पानी भर लिया है। इट्स स्प्रे, सो इजीली स्प्रे हो जाएगा इससे। We have to spray enough water ताकि पूरा watery watery हो जाए हमारा face. I haven't applied anything earlier. I just applied moisturizer. हम directly foundation apply करेंगे, कुछ नहीं apply करेंगे, ठीक है? Primer और कुछ भी नहीं। Oh my god, ये आँखों में थोड़ा जा रहा है, but पानी ही है। We shouldn't let it dry. Let's apply the foundation जल्दी जल्दी। This is 925 Lakme का foundation है, ये मेरा shade है। And this is light coverage foundation और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइट कवरेज ही यूज़ करती हूँ। एंड आपका थोड़ा थोड़ा हम फाउंडेशन ऐसे स्प्रेड कर लेंगे ऑल ओवर आर फेस, सो दैट देखो आई फील हमारे पूरे फेस पे फाउंडेशन लग चुका है। लेट्स ट्राई नाउ। ओह माय गॉड, आई थिंक इट डज वर्क्स। यू कैन सी दिस फील सो नेचुरल और बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो रहा है फाउंडेशन फेस पे। मेरे फिंगर्स पे फाउंडेशन लगा था, उससे मैंने अपने आईज को टच कर लिया, दैट्स वाई इट्स बर्निंग लिटिल बिट, बट नाउ आई एम फाइन। ओके, तो आई ट्राई दिस हैक अर्लियर वंस। जनरल रिव्यू बताती हूँ, इट वॉज ग्रेट, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है। वेदर इट्स लाइट कवरेज और वेदर इट्स हैवी कवरेज फाउंडेशन, दैट डजंट मैटर। व्हेन यू अप्लाई योर मेकअप लाइक दिस, लाइक इसके अलग तरीके भी हैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, गीले ब्यूटी ब्लेंडर से जब अप्लाई करते हैं ना, तो द प्रोसेस जो एक कंप्लीट प्रोसेस है वाटर इंक्लूड करने का फाउंडेशन में, इट इज़ ओनली फॉर सेटिंग, ताकि जो फाउंडेशन है वो आपके फेस पे अच्छे से सेट हो जाए। ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है समर में, बिकॉज स्वेट होती है स्किन, तो भी केक ही नहीं बनता है। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मस्त हैक है ये। ट्राई दिस हैक एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो आई कॉल दिस हैक अ टेप हैक। देखो आप, चलो ट्राई करते हैं। अभी हमें हमारे फेस को कम्प्लीटली टेप से कवर करना है। सो मेरे फेस का लेंथ कुछ, मैं इतने बड़े टेप ले रही हूँ, मैं आई होप ये छोटा ना पड़े। वी हैव टू अप्लाई द टेप, ऐसे हमें कुछ स्टिक करना है अप टू हियर, लाइक हमारे आईज के कॉर्नर से लेकर ऐसे, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। दिस लुक्स सो फनी, बट चलो ट्राई करते हैं। ओके, ओके, अभी हमें यहाँ पर भी लगाना है। Okay.
समथिंग लाइक दिस। चलो हमारा एक साइड तो ऑलमोस्ट रेडी है। दिस लुक्स फनी। एक साइड की टेप छोटी मैंने ले ली, एक साइड की बड़ी, बट आई थिंक हमें इसे अच्छे से स्टिक, नॉट सो अच्छे से बट स्टिल, ताकि द टाइम व्हेन वी विल बी अप्लाइंग द आई शेडो, और लाइक जो एरिया में हमें चाहिए वहीं पे आना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। Let's remove the tape. Not bad. ये अच्छा है, दिस लुक्स नाइस। इसको हम चाहे तो और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज इन वर्किंग। यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू अप्लाई द येलो कलर। ट्राई हियर। दिस लुक्स नाइस। अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक के तरफ। एंड दिस हैक इज लिटरली वेरी वायरल ऑन इंस्टाग्राम नाउ डेज, एंड आई थॉट कि हम चलो इसको भी ट्राई करते हैं। और इन सारे हैक्स के साथ ही वी विल बी डूइंग माई मेकअप टूडे। इस हैक के लिए वी नीड टू थिंग। फर्स्ट हमें कोई इस तरह का वो ट्यूब चाहिए, एंड देन पाउडर। उसको हम थोड़ा सा पाउडर अपने हाथ में ले लेंगे, सो दैट, बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, वी जस्ट नीड थोड़ा सा, एकदम थोड़ू सा, ठीक है, दिस इज एनफ आई थिंक। बहुत ज़्यादा अभी भी है। इसके बैक को हम इस तरह से पाउडर लगाएंगे, लाइक दिस समथिंग, यू कैन सी दैट, समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ लगा है पाउडर। ये इट्स बेसिकली अ आईलाइनर हैक। हम बोथ साइड को इसी से करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट ड्रॉ I'm still a beginner. मेरे से नहीं होने वाला है, मेरे से ये नहीं होगा। तो लाइक इतना ईजी काम है यार, लाइनर लगाना वो भी मेरे से नहीं लग रही है। Can you see this? मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। Okay, this is my liner. Let's ignore the liner. जैसा भी मेरा विंग बना है, let's ignore it and we can just brush it out. The powder is
ऑफ नाउ एंड ये रहा. सो दिस हैक इज बेसिकली आपको हेल्प करता है एक विंग लाइनर लगाने में, बट इफ यू आर सो डम लाइक मी तो आपसे फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, आई एम टेलिंग यू. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हैक. वेल आई डोंट सी एनी डिफरेंस कि इस ब्लशर से मेरी चिक्स कैसे लिफ्ट हो गई, बट आई डोंट नो, मे बी इसको लगाने का कोई दूसरा तरीका होगा. इफ इट इज देयर जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट एंड मुझे ज़रूर बताना. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट आई ट्राई माई बेस्ट. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हैक. अब हम कंसीलर से अपने चिक्स को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. ब्लशर से तो नहीं हुआ, अब हम कंसीलर से करेंगे, ठीक है? बट हम हार नहीं मानने वाले हैं. लेट्स ब्लेंड इट. ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा ऊपर है. ओके इस तरीके से इवन वी विल गेट टू नो द डिफरेंस कि क्या होता है. हाँ वैसे हम लोग यहाँ पे तो अपने कॉन्ट्रोल को लगाते हैं, बट हियर वी आर अप्लाइंग द कंसीलर. लेट्स ब्लेंड इट. मेरा ब्रश थोड़ा सा इसको आई शेडो के लिए यूज़ कर लिया था, बट इट्स ओके. Do you see any difference on my face? I don't know. मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस इतना दिख रहा है कि ब्लश यहाँ पे भी होना चाहिए थोड़ा सा, बट यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ ही रह गया. दिस वॉज आई डोंट नो इसका आउटकम क्या आने वाला था. वहाँ पर जो दिख रहा था वैसा था, कुछ नहीं है. हाँ आई नो इतना कि हम यहाँ पर अपने कॉन्टोर, तो अनदर कोट जो हमारा कॉन्टोर यहाँ पर कंसीलर जाता है, सो दैट हम जब स्माइल करें ये हमारा चिक बोन जो है वहाँ पर एक अच्छा सा कट दिखे. बट यहाँ पर चिक बोन का कट लाना, आई डोंट नो, पता नहीं, दिस वाजन यूजफुल एट ऑल एंड दिस इजन्ट यूजफुल एट ऑल. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट हैक. ऑल्सो देयर इज अनदर हैक रिगार्डिंग द स्वेटिंग. हाँ फाउंडेशन लगाने के बाद स्वेटिंग तो हो रही है, बट येस माई फाउंडेशन इज गुड जो मेल्ट नहीं होता है. तो वी गोना फिक्स दिस प्रॉब्लम. मुझे इस एरिया पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फॉर दैट आर गोइंग टू अप्लाई थोड़ा सा लूज पाउडर. हम थोड़ा सा ब्रश पे लेंगे एंड या इट इज़ इट्स गुड एंड इट फील्स लाइक मैट टाइप थोड़ा सा लग रहा है मुझे, एंड आई होप मेरे स्माइल करने के बाद भी कुछ दिखने रहा है. एनी वेज इट वॉज अ लाइट कवरेज फाउंडेशन, बट स्टिल फाउंडेशन अच्छा नहीं होता, केक ही हो ही जाता है. बट दिस हैक्स वर्क्स अ लॉट. दिस लिप बाम दिस इज सो ग्रेट एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है. एंड इट्स एन ऑल्टरनेटिव, अगर आप महंगे लिप बाम्स यूज़ करते हो ना उसकी जगह पर ये यूज़ कर सकते हो. दिस फील सो स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा मस्त है. दिस इज फ्रॉम जोडियो, दिस इज़ माई रिसेंट लव सीरियसली. एंड मैं ट्राई करते रहती हूँ जो मेरे को अच्छा लगे, बट हाँ ये बहुत ही मस्त है. और इसमें शेड्स भी आते हैं अलग अलग, सो आप वो चेक कर सकते हैं अपने नियरेस्ट ड्यूडियल स्टोर जाके, यू कैन चेक दैट. बट ठीक है, हमने अच्छे से मेकअप तो करा नहीं है, सो मेरी स्किन की कंडीशन लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है फिलहाल, बहुत ज़्यादा. एंड यार दिस इज़ द फाइनल लुक विच केम फ्रॉम द हैक्स वी हैव ट्राइड.
एंड रिसेंटली आई गॉट सन स्पॉट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर मैं सन में एक्सपोज हो जाती हूँ तो. एंड रिसेंटली मैं गई थी घूमने ट्रिप पे, तो वहाँ पर तो बहुत गंदी तरह से मुझे टैनिंग भी हो रखी है और स्पॉट तो कई सारे आ रखे हैं. एंड इट विल टेक टाइम, ट्रीटमेंट करने से भी इसकी टाइम लगता है इसको बहुत सारा. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माई फेस राइट नाउ. बट या गाइस, आई होप यू लव वॉचिंग द वीडियो एंड यू लव द हैक. ट्राई करना कैसा लगता है मुझे बताना ज़रूर. और वैसे जो आउटकम निकला हो तो आपको दिख ही गया है मेरे फेस पे. ऑलराइट, सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग मेकअप और समथिंग. सो येस, आई होप यू एन्जॉयड. इफ यू डू, डोंट फर्गेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन. एंड या Thank you so much for watching. See you in my next video. Let me know your feedback, your suggestion. और आपको next video में किस चीज़ पर बनाऊँ उस चीज़ के बारे में definitely comment box में ज़रूर बताना. किसी भी चीज़ पर चाहिए, anything you want me to try, I will do that for you also. Love you. Bye.